वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो ये है मेरा कैपिटल में काम करता है। कैपिटल में बहुत सारा अनएम्प्लॉय यूथ बैठा हुआ है ना, लाइक दिन भर रात भर सोते रहता है, कुछ भी नहीं करके गेम वेम चलते रहता है। तो ऐसे बैठने से अच्छा आप लोग कुछ इधर उधर काम ढूंढ के कर लो, चाहे वो वेटर हो या कुछ लेबर हो, तो वैसे काम करना है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। तो पढ़ाई के साथ ये सब जारी रहना है, जारी रखना है, बहुत कुछ लाइफ में सीखने मिलता है। तो मेरे साथ ये है मिस मरीना, जो कर्बी आंगलोंग असम से आया हुआ है। तो इस साइड पे है मिस बानी पाव, वो सर्व कर रहा है अभी वीडियो में आने के लिए। बानी पाव के लिए कुछ बोल दिया जितना भी यूट्यूबर्स है और व्यूवर्स है। तो ये है मेरा कैफे जहाँ में हम काम करते हैं, दिसंबर कैफे। तो आप यहाँ आके एंजॉय कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट आइटम बहुत अच्छा अच्छा ब्रेकफास्ट आइटम मिलता है यहाँ। तो ये सिटिंग आउटसाइड है, ये सिटिंग आउटसाइड एरिया है। तो इसमें बहुत सारा ब्रेकफास्ट आइटम आपको मिल जाएगा, वो वेटर लोग का बैठने का जगह, वो टेबल वन, टेबल टू, टेबल थ्री, टेबल फोर। तो ये आ रहा है हमारा सोनजिंग ब्रेकफास्ट आइटम, आपको मेन्यू दिखाया जाएगा यहाँ का मेन्यू। बहुत अच्छा कैफे है यहाँ पे, आप ये सीटिंग आउटसाइड सीटिंग है, तो इसमें आप स्मोकिंग भी कर सकते हैं, स्मोकिंग जोन है। तो ये किंगकप स्कूल के सामने में पड़ता है, किंगकप स्कूल जामे है ना, और ब्लैक स्पैरो इसके सामने में है, और वो एलेक्जेंडर का हाउस को दिखा दिया। और ये है आउटसाइड व्यू कैफे का, इन साइड को भी आपको लेके जाएगा दिखाएगा। तो अभी के लिए आउटसाइड को देख लो और मेन्यू को भी आपको दिखाएगा। तो हेलो मिस मरीना, आपको यहाँ आके काम करके कैसे लग रहा है अरुणाचल में, कुछ बोलो। अच्छा लग रहा है। तो कैफे में क्या क्या मिलता है यार, देख के बोलो, कैमरा में देखो। नहीं, इससे दिखाई नहीं देते, शर्म कर रहा है मिस बानी पाव भी, शर्म कर रहे हैं। तो ये है हम लोग का मेन्यू, दिसंबर कैफे का मेन्यू ये है। इसमें आपको ये सब मिलेगा ब्रेकफास्ट आइटम, ऑल डे ब्रेकफास्ट में डबल करता है, अल्टीमेट ऑमलेट, इटालियन हर्ब ऑमलेट, ये सब देखिए वो सब मिल जाता है। जैसे सबसे हमको अच्छा लगता है वो है ग्रिल्ड पीस विद पोच एज, पोच एग्स। क्या बोला तूने यार, ये समझ गई, नॉट एग्स, पोच एग वेजेस, ये सबसे अच्छा है। और ये पास्ता सलाद सीधा ग्रिल में है, स्वीट टूथ पैनकेक वगैरह मिलेगा, सैंडविच मिलेगा, एंड साइड ये सब मिलेगा, बर्गर पिज्ज़ा एड ऑन में, ये बैकन वगैरह, सॉल्टेड मशरूम, और ये कोल्ड कॉफी, बवाटी, फ्रेश फ्रूट जूस वगैरह मिल जाएगा, शेक्स है, तो ये सब मिल जाएगा। और वो है अंदर का व्यू, इसमें है काउंटर जहाँ में कॉफी वॉपी बनता है, और इस साइड में सिटिंग एरिया आपको अभी हम अंदर लेके जाएगा। हेलो गाइस, अभी रात हो गया, अंदर का इसको दिखाएगा, सोचता है अंदर का जो कैफे है, बट कस्टमर बहुत गेस्ट आने जाना होने का कारण अंदर का इसको अभी दिखा नहीं पा रहा है, जब फ्री हो जाएगा तब दिखाएगा अंदर का। एक झलक देख लीजिए यहाँ से, ये उम्पी है, मेरा आंटी है, कृष्ण भैया बना रहे हैं वहाँ कुछ। मिस मरीना एंजॉय कर रहा है मोबाइल में। ये हमारा उम्पी है, कैपेचिनो बना रहा है, और इसमें है चश्मिस वाला मेरा आंटी, और वो वाला है क्रिस इन द वर्ल्ड। तो गैस ये है कैफे का अंदर का व्यू आपको दिखा रहा है। यहाँ पे मेरा शॉप भी है, कपड़ा और जो कॉटन का मिलता है। सो आपको यहाँ बैक्टीरिया एक आइटम मिल जाएगा, क्रंची ओट्स वगैरह, जो बिस्किट है, ब्रेड आइटम। सो ये है हमारा काउंटर, केस काउंटर, पेस्ट्री आइटम भी मिल जाता है यहाँ। ये है बटर क्रोसो, एप्पल पाई, मशरूम कीस, चिकन कीस, चिकन टिक्का, और ये डोनट्स, ये वाला वाइट ट्रिपल डोनट, चॉकलेट डोनट, कैरमल डोनट, और ये शुगर डोनट, और ये एप्रिकॉट डेंस, और ये प्रेस रखता है हमारा, क्या बोलते हैं, पेस्ट्री आइटम, चिकन टिक्का पब, एग पब वगैरह पब।
ये है गार्लिक ब्रेड आइटम्स, इसमें जो लोकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी अवेलेबल है लाइक ये सब जीरो स्पाइस, ये सब भी अवेलेबल यहाँ मिल जाता है। ये हो गया, सो आप लोग यहाँ आके इसको ले सकता है। तो ये है हमारा किचन एरिया जहाँ में सिंपल स्पेशल जिस कुजिन इटालियनो फूड मिलता है। ये है हमारा सेफ सांगमा सेफ, दिल्ली से आया हुआ और वो क्रिस्पोना कर्बी अंगूर से। वाओ, ये हमारा बॉस, मेन बॉस दौलत सर दिल्ली चांदनी चौक से आया हुआ है, बोला है ये होटल का पूरा ये रेस्टोरेंट का देखभाल इनका हाथ में पड़ा हुआ है। सो ये इनसाइड किचन का व्यू है। क्रिस बोना व्यूअर्स को हेलो बोला। हाँ, ये यहाँ का हाउस कीपिंग है, बहुत स्मार्ट है। ये हमारा दौलत सर एंड ऑफ द मैच, सब ये बनाता है। कितना अपलोड करेगा इसको, सब्सक्राइब कर दो। सांगमा। देखो यह अभी हमको 10 रुपया टिप मिल गया और टेबल नंबर 3 में सर्विस दिया था। ये है, ये है हमारा अन्नदाता क्रिस भैया। नमस्ते। नमस्ते। ये है आउटसाइड का व्यू द डिसेंबर कैफे का। यहाँ से इनसाइड जो सीट कर सकते हैं उन लोग अंदर में जो बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं। एंड ये है आउटसाइड चीटिंग एरिया जहाँ में तो स्मोक करता है वगैरह इन लोग का। तो ये ग्रिल आइटम भी बाद में खोला जाएगा, पता नहीं कब खोला जाएगा। ये है हमारा अड्डा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। अभी आप लोग देख चुका होगा अंदर बाहर द डिसेंबर कैफे का चीटिंग एरिया। अभी हम बैठा हुआ है आउटसाइड में और एक्चुअली जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ है जो कैपिटल में ऐसे बैठा हुआ है अपना लाइक पेरेंट्स पर डिपेंड करके, अभी इतना स्टडी कर लिया कुछ भी नहीं हो पा रहा है ऐसे सोच के, मतलब कोई कोई रूम में ऐसे बैठे हैं। तो ऐसे मत बैठो रूम में, मैंने भी 2 महीना कुछ समथिंग ऐसे अपना टाइम वेस्ट किया। तो अपना पेरेंट्स के ऊपर ओवर शेड होकर मत बैठो, अभी जितना हो सके कुछ सेल्फ वो इंडिपेंडेंट होना है। तो इसके लिए छोटा मोटा चाहे काम बड़ा हो या छोटा हो एब्स्ट्रैक्ट करके करना है। तो इसलिए जो भी जैसे भी काम मिलता है तो आप लोग काम को वो करना है, एक्सेप्ट करके करना है। तो लाइक वाइज मैंने भी यही कहते हैं, मैं अभी जो किया 2 मंथ्स हो गया यहाँ का सब स्टाफ एंड जो ओनर है हमारा रोमेश सर सब ठीक ठाक है। और जो जो यूथ्स है हमारा अरुणाचल में जितना भी पढ़ाई करके MA ग्रेजुएट BA ग्रेजुएट करके बैठा हुआ है, जो ऐसे ही यूजलेस दिन भर घर में बैठते हैं, रात भर बैठते हैं, मोबाइल गेम खेलते हैं, तो अपना टाइम को वेस्ट करने से अच्छा ऐसे एक प्रोडक्टिव चीज़ में लाइक कोई भी सोचेगा होगा ये इतना पढ़ाई करके इतना ऐसे ऐसे ग्रेजुएट होके कि छोटा मोटा जॉब में कर रहा है, तो ऐसे वैसे लोग सोचने वाला सोचेगा, तो इसको इतना ध्यान नहीं देना है। तो कुछ कुछ चीज़ में एंगेज रहो, लाइफ में बढ़ने के लिए कुछ एक्सपीरियंस चाहिए ना, तो कुछ कुछ चीज़ में एंगेज रहो यही बोलेगा। एंड अपने पेरेंट्स में डिपेंड मत करो, पेरेंट्स को जितना हो सके खुद कमा के पेरेंट्स को देगा सोचो, और सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है जैसे भी लाइफ में। तो यही तक था मेरा आज का वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। और